वालेकुम नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है द मीडियन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड करना है पीडीएफ हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये है मीडियन में हमने उससे मीडियन क्या होता है कि वो वैल्यू जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास उसकी नॉर्मल की शे, श, शेप है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी उसकी रेंज है वो वैल्यू जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो हमारे पास मीडियन कहलाएगी यानी कि बाय डेफिनेशन मीडियन इज लेस देन वन बाई टू और ग्रेटर देन वन बाई टू वो वैल्यू जो Uh, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे मीडियन कहलाएगी इसको बाय डेफिनेशन हम लिखते हैं माइनस इन्फिनी से एम एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू अब एफ ऑफ एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने उसकी जगह रिप्लेस कर दिया और माइनस इन्फिनी से एम उसकी लिमिट है इक्वल होगा वन बाई टू की इसको सॉल्व करने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन की z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू व सिगमा की जगह हम पुटिंग कर रहे हैं तो x हमारे पास होगा म्यू प्लस सिगमा जेड के और इसका डी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा सिग्मा डी ऑफ जेड के सिग्मा क्योंकि कांस्टेंट है और जेड वेरिएबल है तो ये हो जाएगा सिग्मा डी ऑफ जेड अगर हम रिप्लेसमेंट करने से पहले हम इसकी लिमिट्स का फर्क चेक करें कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं तो हमारी लिमिट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अगर माइनस इन्फिटी से इन्फिनिटी हो फिर हमारी लिमिट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वही की वही रह जाती हैं लिमिट्स चेक करने के लिए ये होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें वेरिएबल की जगह पहली लिमिट रखेंगे चेक करेंगे क्या लिमिट बनती है और फिर दूसरी पर लिमिट रखेंगे कि क्या लिमिट बनती है तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा में सबसे पहले हम x की जगह माइनस इंफिनिटी रखेंगे माइनस इन्फिनिटी रखने से ये सारा इंफिनिटी बन जाएगा यानी कि जब x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी है तो z भी माइनस इंफिनिटी रहेगा लेकिन जब z हमारे पास x हमारे पास m होता है तो हमने जब इसमें पुटिंग की m की तो वो बनेगा z इक्वल टू एम माइनस म्यू ओवर सिग्मा यानी कि जब हमारे पास एक्स की रेंज माइनस इंफिनिटी से एम है तो हमारे पास जेड जेड की रेंज माइनस इन्फिनिटी से m माइनस म्यू ओवर सिग्मा बनेगी हम अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की पुटिंग कर देते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास बनेगा माइनस इन्फिनिटी से रेंज चेंज हो गई m माइनस म्यू ओवर सिग्मा ये हमारे पास वैसे का वैसे कॉन्स्टेंट रहेगा e की पावर 1 माइनस माइनस वन बाई टू एक्स माइनस मी ओवर सिगमा की जगह हमने जेड की पुटिंग की तो ये जेड स्केयर बाय टू आ गया डी ऑफ एक्स की जगह सिगमा डी जेड का आ गया इक्वल टू वन बाई टू इसमें सिगमा सिगमा से कैंसिल हो गया और हमारे पास बाकी बचा वन ओवर टू पाई स्केर ई रेज टू पावर माइनस जेड स्केयर बाई टू डी ऑफ जेड इक्वल टू वन इसको हमने इक्वेशन नंबर वन दे दी अब क्योंकि हमने Uh, हमें पता है कि माइनस इन्फिटी से प्लस इन्फिनी है जेड की रेंज तो हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं माइनस इन्फिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में माइनस इन्फिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी में हमारे पास हाफ वन बाई टू एरिया इधर है और वन बाई टू एरिया इधर है यानी कि अगर हम माइनस इंफिनिटी से ज़ीरो लिमिट लेते हैं तो वो इक्वल टू वन बाई टू होगी और जीरो से इन्फिनिटी लेते हैं तो वो भी उसका एरिया भी इक्वल टू वन बाई टू होगा तो हम माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो वाला लेते हैं, माइनस से जीरो टू टू पावर माइनस माइनस डी ऑफ इक्वल यानी कि से जीरो वाली रेंज हमने ली है अब इन दोनों को वन और टू इसको हम टू इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो सिर्फ ये एक फर्क नजर आता है कि म्यू अपर लिमिट जो है वो हमारे पास चेंज है बाकी हमारे पास दोनों वैल्यूज की सेम है लिमिट भी सेम है और बाकी वैल्यू भी हमारे पास सेम है तो हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करने से क्या आया कि म्यू माइनस एम माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो ये हमारे पास दोनों सेम हो जाती हैं इसको जीरो हुआ तो ये हमारे पास क्या बना एम माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल टू जीरो यानी कि सिग्मा को उधर जाके हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया वो भी ज़ीरो हो गया एम माइनस म्यू इक्वल टू जीरो और एम की वैल्यू आ गई इक्वल टू म्यू ये है यानी कि मीडियन की हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल आई कि मीडियन इज इक्वल टू म्यू है और म्यू हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कहलाता है मीन मीन्स इसका मतलब कि मीडियन इज इक्वल टू मीन है